Hello students, today we are going to learn about the differences between XML and HTML, and we will also see some of the XML tags and syntaxes. So let's start with the difference. So XML and HTML were designed with different goals. So these are the goals, what are the goals through which XML was designed, and वो कैसे HTML से अलग था वो हम लोग देखेंगे. तो इन द फर्स्ट वन वॉज दैट XML इज़ डिज़ाइन टू कैरी डेटा एम्फेसाइजिंग ऑन वॉट टाइप ऑफ डेटा इट इज़. दैट मीन्स कि XML जो भी HTML में हम लोग कह रहे थे, तो वॉट डेटा पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे. वी वर फोकसिंग ऑन द मेथड. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं XML में, वी आर फोकसिंग ऑन द डेटा, दैट वॉट टाइप ऑफ डेटा इज बिंग डिज़ाइन. द सेकेंड वन इज HTML is designed to display data emphasizing on how data looks. तो ये जो data का look होता है, that means how it is being arranged in the database according to the tree-like structure or hierarchical structure. किस structure में ये arrange किया गया है और कैसा ये दिख रहा है, we focus on that. XML tags are not predefined like HTML. HTML tag में जैसे होता था कि HTML tag है, body tag है, head tag है and all the defined tags. बट इन XML वी डिफाइन द टैग्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड. जैसे हमको ज़रूरत पड़ता है जिस भी टैग का, हम उसी टैग को वैसे डिफाइन करते हैं. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट वी वर डिफाइनिंग सम टैग्स लाइक नोट्स, टू, फ्रॉम, मैसेजेस एंड बॉडी, कंटेंट्स, हेडिंग, एनीथिंग. तो ये मेरे हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू माई नीड आई एम डिफाइनिंग द टैग्स. So this can be used, we can also say that XML is user defined like tag. The tags are defined, user defined also. So HTML is a markup language where XML provides a framework for designing or defining markup languages. So HTML ek markup language hai, and in that XML gives the framework, or XML, we can say that XML is an add-on in which the framework for designing or defining the markup language is being done. So the next is HTML is about displaying data. HTML is about displaying data. Hence it is a static, whereas XML is about carrying information, which makes it dynamic. So HTML mein kya hota tha ki what we were feeding to the code, jo hum log code mein de rahe the, input kar rahe the, that was being displayed in the form of web page and website. बट इन XML क्या होता है कि यहाँ पे स्टैटिक डेटा नहीं होके यहाँ पे डायनेमिक डेटा होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस में नंबर्स हैं एंड द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज़ बीइंग कैरीड ऑफ, और वी कैन से दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन रन टाइम. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज. सो लेट्स सी सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML. So the first one is HTML focuses on how the data looks. तो HTML में क्या होता है कि डेटा के लुक्स पे हम लोग फोकस करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज XML focuses on data rather than how it looks. तो ये डेटा का क्वालिटी जो होता है, जो क्वालिटी होता है डेटा का, उस पर यह XML फोकस करता है. दैट मीन्स इन द फर्स्ट वन, इन द HTML वन डेटा कैसा दिखता है वो देखते हैं, और इन द सेकेंड वन XML पार्ट वी से दैट हाउ डेटा, मतलब इट फोकसेस ऑन द डेटा, मतलब कि डेटा क्या है, कैसा है. मोर प्रायोरिटी इज गिवन टू द टाइप्स ऑफ डेटा एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड. तो द सेकंड वन इज HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. दैट मीन्स इफ वी वर यूजिंग HTML, ऐसा HTML भी यूज़ कर सकते थे, ये वाले HTML भी कैपिटल लेटर्स में भी HTML यूज़ कर सकते थे. तो ऐसा वी आर यूजिंग इन HTML, बट इन XML इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो इफ वी आर यूजिंग HTML, देन ऑल्सो वी हैव टू यूज आर HTML वाइल क्लोजिंग द टैग. सो नॉट दिस HTML विल रन, दिस विल शो एन एरर, ये ऐसा एरर आ जाएगा. सो इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. द थर्ड डिफरेंस इज HTML इज मेनली कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. HTML में डेटा कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ बीइंग फोकस्ड ऑन, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले पे ज़्यादा फोकस होता है, कैसा दिख रहा है हमारा वेब पेज, हमारा डेटा कैसा दिख रहा है. एंड इन द सेकेंड XML इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द डेटा.
और XML में क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस XML. द फोर्थ वन इज़ HTML इज़ स्टैटिक, दैट मीन्स कि एक बार when we give the data or when we give the command to the web page, it is being static, वो change नहीं होता. And the XML is dynamic, that means it changes time to time. जब भी XML में जो हमारा data होता है, we know that in XML we store data, और जब भी data change होता है तो उस case में क्या होता है, हमारा जो web page है that will also change. So it is dynamic, it changes from time to time. So the next one is fifth one. In HTML, the closing tag is optional. That means if we were using HTML and we were not using HTML, closing HTML tag, so uske isme error nahi aata. But in XML, the closing tag is mandatory. If we are using any tag, then we have to close that tag. And for that, matlab wo tag ko nahi close karte, so in that case, we will get an error and our code will not run smoothly. So next one is, HTML uses predefined tags such as B tag that is used for bold, BR tag that is used for line break, and IMG tag that is used for image, insertion of image or the properties of image. So HTML mein we use the predefined tags that are being stored in the HTML library. Or XML mein kya hota hai, XML uses the user defined tags that we create while writing the XML documents. So we have seen one example in that वहाँ पर हम लोग देखे थे कि we were using the tags such as to tag, from tag, body tag, content tag, heading tag, notes tag. तो ये सब जो tag है वो हम लोग खुद से define कर रहे हैं according to our need. जैसे जरूरत, जब जब tag का जरूरत हो रहा है, इन एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग अवर यूज़र डिफाइंड टैग्स. So these are the differences of HTML and XML. And the last difference is HTML does not preserve white space. तो white space क्या होता है, यहाँ पर जो blank space होता है, जैसे let's see that this is my web page and I am writing something, this is, and I am changing the line, again I am changing a line and I am writing boy. तो यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं, दीज आर द स्पेसेस, सो दीज आर कॉल्ड वाइट स्पेसेस. तो HTML में क्या होता था कि ये स्टोर नहीं होता था, बट इन केस ऑफ XML व्हेन वी आर डिफाइनिंग द सेम टैग, मतलब ये सेम आउटपुट अगर हम लिखना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ XML, दिस इज अ एंड बॉय. तो इन द केस ऑफ दिस वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी ये ब्लैंक स्पेसेस है वो स्टोर हो रहे हैं या प्रिजर्व हो रहे हैं, दैट मीन्स उसके लिए भी डेटा यूज हो रहा है. द डेटा बीइंग स्टोर्ड इन द मेमोरी इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द वाइट स्पेस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ XML. सो ये एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस था, दीज आर द सेवन मेजर डिफरेंसेज ऑफ HTML एंड XML, एंड होप यू दिस विल हेल्प यू अलॉट. एंड देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, that write the difference between this HTML and XML, and I have given 7 differences, but you have to write 10 differences and you have to submit in your assessment. I am giving an assessment also today, so go through that, and thank you.